ये देखो भाई, अपनी पिपरमेंट यानी मेंथा ऑयल कुछ ऐसी होती है। इसकी महक बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, इसका सेंट बनता कहते हैं। मालूम नहीं, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन कहते हैं सेंट बनता है। ये कटाई हो गई भाई, कुछ नज़ारा ऐसा है। इधर काम चल रहा है अपना, मम्मा लोग भैंसा गाड़ी ये पे चढ़ जाई हो। तो भैया कुछ ऐसी समस्या है, ये देखो ऐसे करते हैं हम लोग, कचराई बुग्गी पे लाद रखे हैं इसको। अब इसको थोड़ा सा दबा दें, अभी इधर भी रखी है अपनी पेपरमेंट, और ये है थोड़ा सा इसको दबा के रखेंगे ना, तो सारा जो है पेपरमेंट इस पे आ जाएगा भैंसा गाड़ी पे। अभी उधर से भी ला भी रहे हैं ये। सो गाइज यार, अपनी देखो देखो बुग्गी गई, उलट के चली गई भाई, यहाँ पर सब खाली हो गया। गाइज यार ये देखो अपना पेपरमेंट का आ गए यहाँ पर, तो चलिए दिखाता हूँ आखिर कैसे होता है काम। तो गाइज ये रही टंकी, इसमें भरा जाता है पूरा एक कचर ऊपर चढ़ के, दो कितनी धार निकल रही है। इसी के अंदर 10 बाल्टी पानी डाला जाता है, और उसके बाद वो सारी ये जो पेपरमिंट है इसको में डालेंगे, इस ढक्कन को ऊपर से बंद कर देंगे। अब देखो क्या होता है कि इधर से ये भट्टा बना है नीचे, देखो ये इधर से लकड़ी डालते हैं, आग निकलती है और धुआं चारों ओर साइड से निकल जाता है। और देखो तेल कैसे आता है, जब इसमें जो है गर्म होता है वाष्प बनता है, वाष्प बनेगा तो फिर यहाँ से तेल ऐसे निकलेगा, ये तेल ऐसे जाएगा यहाँ से, इसी रास्ते तेल जाएगा। और देखो इसमें क्या लगा है, ये ठंड ठंड मतलब तेल जब जाएगा इसके अंदर घूमता हुआ इसको ठंडा होना चाहिए, इसलिए इसमें हमेशा पानी भर के रखते हैं। और उसके बाद देखो तेल कैसे निकलेगा, तेल का रास्ता ये है, यहाँ से तेल निकलता है गाइस। और उसके बाद ये इसमें तेल निकलता तो जाता किसमें, एक फिल्टर होता है डिब्बा फिल्टर का, उसको दिखाते हैं, उसमें तेल जाता है। कहाँ रखा बस, हाँ ये देखो दोस्तों, ये हरी पाइप जो इसमें जाती है, इसके बाद इसमें तेल जाता है, तेल जाने के बाद इसके अंदर होता है, दिखाता हूँ, सारा तेल इसमें आता है। देखो नीचे आपको कालापन दिख रहा होगा, वो इसको माही बोलते हैं। ऊपर जितना होगा तेल होगा, यहाँ तक तेल भरा जाता है, और नीचे जो है कचरा नीचे रह जाता है और तेल ऊपर आ जाता है, कुछ ऐसा होता है भाई, कुछ अजीब तरीके से फिल्टर किया गया है। नीचे जो दिख रही है वो कचरा है, और जो तेल होता है और मेंथा ऑयल का पेपरमिंट का, वो ऊपर आ जाता है, और जो तेल ऊपर आता है तो यहाँ पर फुल तेल आ जाता है, तेल यहाँ से निकलने लगता है इस रास्ते से। और जो पानी होता है और जो कचरा होता है नीचे रहता है, वो बिल्कुल ऊपर नहीं आता, कुछ ऐसा फिल्टर है ये। तो गाइज ये रही पूरी जानकारी, और पानी कम पड़ जाता है तो ये इंजन लगा है, इंजन के माध्यम से चला देते हैं कि इसको ठंडा रहना, क्योंकि तेल जल जाएगा उस रास्ते से, वहां से तेल आता है इसे। अब बैठ गया ढक्कन, ये नट हो गया भाई टाइट, चारों ओर नट टाइट हो गया। अब ये टाइट ना कर पा, ये तो ढीले रहे। तो गाइस यार कुछ ऐसी आग जलती है इसमें, देखो कितना तेज आग जल रही है चारों ओर, इतनी सारी लकड़ियां आई हैं, देखो इधर से भी आग निकल रही है, चारों ओर छेद होता है निकलती आग। गाइस हो गई है शाम, अब इसको हम भर दें, आज रात को लगभग इसको आगे इसमें जलाएंगे, लगभग कितने घंटे जलता है, 5-6 घंटे लगभग इसमें लकड़ी डालते रहो, आग बुझने ना पाए, 5-6 घंटे लगातार इसको जलाना पड़ता है, तब इसमें जाके पूरा तेल निकलता है टंकी का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।